हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने कुछ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स देखे थे अब आप ये सोचिए कि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं या ये जो ट्रेड्स होते हैं ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं आई लवीना को मावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेड्स है ये एक कैसे एक्सप्रेसड होते हैं कोई भी एक ट्रेड जो है वो कैसे विजिबल हो जाएगा मतलब आज हम अगर दुनिया में आए हैं तो हमारी आंखों का कलर विजिबल हो गया हमारी आंखों का कलर डिफरेंट है हेयर कलर डिफरेंट है स्किन का कलर तो और ही डिफरेंट है तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है ये जो ट्रेड्स है ये किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं जैसा कि हमने पढ़ा था कि जीन्स जो होते हैं पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का या एक ट्रेड का एक जीन होगा तो सेम वैसे ही जब अगर इन जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा और अगर सपोज इन जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट अगर प्रोटीन बनाते टाइम डीएनए जब प्रोटीन फॉर्मेशन करता है उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर कैसे हो जाएगा अगर कोई अल्ट्रेशन हुआ तो क्या होगा और जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो ट्रेड्स होते हैं वो किस तरह से विजिबल होने वाले हैं उनके अंदर किसी की हाइट जो होती है वो छोटी होती है किसी की हाइट बड़ी होती है किसी का कलर जो होता है वो फेयर होता है किसी का कलर ब्लैक होता है जीन जब कॉपी हो रहा है जब डीएनए कॉपी हो रहा है उस टाइम पे जो जीन है हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा करेक्शन हो क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि डीएनए एन के टाइम क्या होता है एक एरर होता है तो वो एरर हो सकता है कि यहाँ विजिबल हो जाए उस वजह से हो सकता है कि किसी की हाइट छोटी हो सकती है किसी की हाइट बड़ी भी हो सकती है तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है ये ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं और ये जो जीन्स है ये अपने आप को किस तरह से सारे ट्रेड्स को एक्सप्रेस करके एक पूरा का पूरा बॉडी फॉर्मेशन कर देते हैं चलिए तो देख लेते हैं हम किस तरह कैसे होता है फर्स्ट थिंग इज सेलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन सेल सेल्यूलर डीएनए जो होता है वो क्या है वो एक तरह का इंफॉर्मेशन कैरियर होता है वो इंफॉर्मेशन का सोर्स है हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए और डीएनए क्या कर रहा है वो जीन को लेके जा रहा है कौन सा ट्रेड जो है वो शो करने वाला है वो तो डिपेंड करता है कि कौन से जीन को कौन सा वर्क दिया गया है तो जिस जीन को जो वर्क दिया गया होगा वो वही तो शो करेगा चलिए तो एक बार हम थोड़ा सा इसका क्विक रिविजन ले, ले लेते हैं कि जो हमारे जीन है वो किस तरह से है डीएनए एन कहाँ होता है कैसे वर्क करता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं सो वी हैव अ सेल हमारे पास क्या होता है सबसे पहले एक सेल होता है सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होगा वैसे ये हमारा हो गया सेल और सेल के अंदर क्या होता है हमारा न्यूक्लियस होता है अब ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है तो हमने पढ़ा था कि कुछ क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो धागा एक तरह से बिखरा हुआ किस तरह से होता है वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल को डिवाइड होना होता है उस टाइम पे वो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स में वो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमोसोम्स में तो क्रोमोसोम्स मतलब ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर था वही होता है हमारा क्रोमोसोम और अगर हम इस क्रोमोजोम को थोड़ा सा बाहर निकाल के बड़े स्ट्रक्चर में देखिए तो ये हो गया हमारा क्रोमोजोम अब क्रोमोसोम क्या है एक तरह का डीएनए ही तो है एक तरह का क्या है डीएनए ही तो है कैसे है डीएनए तो क्रोमोसोम जो होता है वो पूरा किससे बना होता है डीएनए से बना होता है अब ये जो डीएनए है वो किस तरह से नजर आएगा भैया डीएनए तो इस तरह से होता है हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए अब जब ये डीएनए है डीएनए के अंदर क्या होगा जीन होंगे जो क्या कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कैरियर है ये जीन जो होते है हमने पढ़ा था कि डीएनए क्या करता है डीएनए मेक्स अ प्रोटीन डीएनए बनाता है एक प्रोटीन और वही जो प्रोटीन है डीएनए मेक्स अ प्रोटीन और जो प्रोटीन है वही प्रोटीन जो होता है वो बॉडी का फॉर्मेशन करता है प्रोटीन क्या करेगा बॉडी का फॉर्मेशन करता है सो so, जब हम बात कर रहे हैं डीएनए अगर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है तो सी द फर्स्ट थिंग इज सेल्यूलर डीएनए इज द इनफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन सेल यही तो हमने कहा कि जो सेल्यूलर डीएनए है वो क्या है इन्फॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन सेल सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाता है क्या है ये डीएनए ये है एक इन्फॉर्मेशन सोर्स एक इन्फॉर्मेशन का कैरियर है मतलब जो पेरेंट से जब हमें कोई डीएनए या जब हमें कोई जीन मिल रहा है मतलब जो हमारा एग और जो स्पर्म मिलता है उसके अंदर क्या होता है तो उसके अंदर होता है डीएनए और वो डीएनए क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि हमारी हाइट जो है हमारे मदर पे जाएगी या फादर पे जाएगी हमारी आंखों का कलर कौन सा होने वाला है हमारी बालों का कलर कौन सा होगा हमारा हेयर स्ट्रक्चर कैसा होगा इट इट इज कर्लियर और इट इज स्ट्रेट स्किन का कलर कौन सा होगा तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है डीएनए पे डिपेंड करती है बिकॉज डीएनए ही तो इन्फॉर्मेशन कैरियर है पेरेंट्स से हमारे अंदर लेके आने वाला कौन है डीएनए है तो वो किसके लिए होता है वो बनाता है प्रोटीन सेल के अंदर वो क्या बनाता है प्रोटीन डीएनए मेक्स अ प्रोटीन एंड प्रोटीन मेक्स अ बॉडी ठीक है डीएनए मेक्स प्रोटीन इन सेल्स डीएनए बना रहा है प्रोटीन ठीक है भाई हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई डीएनए ने बनाया प्रोटीन ठीक है अब उस प्रोटीन का क्या देन डीएनए प्रेजेंट इन द जीन डीएनए जो होता है वो जीन में प्रेजेंट होगा और वो जीन सपोज एक जीन ऐसा है जो जीन आपका वो लेके आएगा एक कोई इन्फॉर्मेशन कि भाई ठीक है हमारे पास ये वाला ट्रेट है और ये आपके अंदर विजिबल होने वाला है तो वो जीन उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा किस तरह से वो उसको एक्सप्रेस करने वाला है ठीक है चलिए डीएनए एन ए मेक्स अ प्रोटीन डीएनए ने बनाया प्रोटीन अभी प्रोटीन किस में हेल्प करेगा ये जीन को ही तो हेल्प करेगा क्योंकि डीएनए के अंदर जो ये कंपार्टमेंट्स होते हैं दीज आर द जीन्स ये क्या है जीन्स ही तो है राइट जीन्स को मिला के ही तो बना है डीएनए अब ये जो जीन्स है सपोज ये एक जीन ऐसा था जो लेके आ रहा है कौन सा कैरियर हमारा कौन सा ट्रेड लेके आ रहा है ये लेके आ रहा है हमारा स्किन कलर सपोज ये लेके आ रहा है मेरा स्किन कलर ठीक है चलिए इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई हमारे के पास क्या था सेल था एग और स्पर्म था जो ये सेल है सेल के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस होगा और ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम क्रोमोसोम किससे बना है डीएनए से बना है डीएनए किससे बना है डीएनए में कंपार्टमेंट से वो क्या है वो है जीन जो पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन कैरियर है डीएनए पूरा एक इंफॉर्मेशन कैरियर है बट वो पैकेट्स में थोड़ी ना होगा कि भाई ठीक एक पैकेट था खुला तो सारे ट्रेट्स बाहर आ गए ऐसा नहीं होता है एक एक जीन के पास एक एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है तो हमारे पास एक जीन हमने लिया उसके पास सपोज था स्किन कलर अब ये जो जीन है ये क्या करेगा जीन बनाएगा एक एंजाइम एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बनाएगा क्योंकि जीन को बनाना है एंजाइम एंजाइम से फिर एक चीज बनेगी जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये जो जीन है ये जीन क्या बनाएगा ये बनाएगा एक एंजाइम एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बनाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि इसका स्किन कलर कैसा होने वाला है आई बात समझ में इसने बनाया एक एंजाइम अब ये जो एंजाइम है इसकी वजह से क्या बनेंगे हार्मोन्स बनेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हार्मोन्स बनेंगे एंजाइम की वजह से क्या बनेंगे हार्मोन्स फॉर्मेशन में ये एंजाइम हेल्प करेगा सपोज हमारा जो स्किन कलर था वो एक पर्टिकुलर एक हार्मोन की वजह से होने वाला था और अगर ये एंजाइम बनते टाइम पे क्या हुआ या प्रोटीन बनते टाइम क्या हुआ थोड़ा सा उसके अंदर एरर हो गया और वो प्रोटीन या जो एंजाइम था वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाया अगर वो एंजाइम प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारे जो हारमोन्स है ये भी प्रॉपरली सेक्रेट नहीं हो अगर हार्मोन्स से प्रॉपर सेक्रेट नहीं होंगे तो वो जो हमारा स्किन कलर है उसके अंदर भी वेरिएशन हो सकते हैं आई बात समझ में आपको क्या मैं समझा रही हूँ गेटिंग माई पॉइंट कि हमने क्या बोला कि एक सेल के अंदर था न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमोजोम क्रोमोजोम से आया हमारा डीएनए डीएनए के अंदर है जीन जीन क्या कर रहा है जीन करता है कि भाई जीन को एक जीन को दे दिया भाई स्किन कलर लेके जाना है आपको तो तो वो लेके आएगा स्किन कलर को अब ये जो स्किन कलर है सपोज इसने क्या बनाया एंजाइम बनाया एंजाइम बना दिया इसने और उस एंजाइम की वजह से क्या हुआ एक अच्छा सा हार्मोन सेक्रेट हुआ जिसकी वजह से जो मेरा स्किन कलर अगर फेयर होना था डार्क होना था ब्लैक होना था जो भी होना था वो हो गया ठीक है बट अगर इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन हो गया सपोज इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक एरर हो गया कि उसकी वजह से क्या होगा मेरे स्किन कलर पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा डेफिनेटली पड़ेगा अगर उसके अंदर एक एरर हो गया तो हो सकता है कि ये जो हार्मोन है ये प्रॉपर सेक्रेट नहीं हो पाए और अगर ये प्रॉपर सेक्रेशन नहीं होगा हार्मोन का तो हो सकता है कि हमारा स्किन कलर जो है सपोज होना था फेयर और हो गया डस्की या होना था सपोज डार्क और डार्क की वजह से डार्क होना था बट हो गया वो फेयर चलो फेयर होना तो अच्छा हो गया बट स्टिल हार्मोन्स के अंदर जो इम्बेलेंस होता है वो किसकी वजह से होता है वो इन एंजाइम्स की वजह से होता है ठीक है हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं और उन रिएक्शंस में हेल्प करने के साथ साथ में जब डी हमारी बॉडी के अंदर आ रहा होता है जब जाइोर्ड बन रहा होता है एम्ब्रियो बनता है उस टाइम पे जो स्पेशल हार्मोन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं वो हमारी बॉडी के जो ये फीचर्स है उनको विजिबल विजिबिलिटी देते हैं और जो जीन्स है जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं उस ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो चलिए आ जाइए फिर से इस चार्ट पर क्या बोल रहा है ये कि सेल्युलर डी एन ए इज़ द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन सेल सेल्युलर डी एन ए जो होता है वो इन्फॉर्मेशन कैरियर है एंड वो क्या करेगा वो प्रोटीन बनाएगा सेल के अंदर ठीक है डीएनए मेक्स अ प्रोटीन ये हमें बहुत अच्छे से पता है भाई इतना तो हमें समझ में आ गया उसके बाद क्या उसके बाद एन डी प्रेजेंट इन द जीन जो भी डीएनए जीन के अंदर प्रेजेंट होता है सपोज जो वो जो जीन है वो लेके जा रहा है कि टॉलनेस ऑफ प्लांट एक प्लांट का जीन है वो लेके जा रहा है टॉलनेस ऑफ प्लांट ठीक है भाई ये जो जीन है ये क्या करेगा ये डिसाइड करेगा कि प्लांट की टॉलनेस कितनी होने वाली है वो कितना टॉल होने वाला है शॉर्ट रहेगा टॉल होगा मीडियम होगा वो क्या होगा तो वो ये वाला जीन डिसाइड करेगा ठीक है भाई ये हमें समझ में आ गया अब इसके बाद प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस टॉलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एक हार्मोन होता है भाई जीन तो लेके आ गया कि भाई इतना ये इसका टॉलनेस जो है वो इतनी होनी चाहिए ठीक है भाई इतना होना चाहिए बट ये डिसाइड तो हो गया अब इसको ट्रेड को एक्सप्रेस कौन करने वाला है एक स्पेशल काइंड का हार्मोन स्पेशल टाइप का हार्मोन है हमारा जो प्लांट हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए तो याद करो कौन सा हार्मोन था ऑक्सिन हार्मोन था ऑक्सिन हार्मोन ये ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या करेगा ये डिसाइड करेगा कि टोलनेस कितनी होने वाली है और इस हार्मोन को सेक्रेट होने में हेल्प कौन करेगा हमारा जीन जिसको पता है कि भाई इसकी टॉलनेस यहाँ तक जानी है इतना ये टॉल होना चाहिए ये वाला प्लांट तो उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो यही तो जीन प्रोवाइड करेगा तो एक जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट हार्मोन जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ऑक्सीजन हार्मोन जितना ये हार्मोन सेक्रेट होगा उतनी ही ज्यादा प्लांट की ग्रोथ भी होगी सपोज अगर ये हार्मोन जो है ये कम सेक्रेट हुआ जो इसकी स्पेशल जो लिमिटेड क्वांटिटी थी कि भाई इतना ये होना चाहिए था तो इतना टॉलनेस आ जाती है उसमें अगर ये सपोज से कम सेक्रेट हुआ तो फिर क्या होगा तो होगा ये कि इसकी ग्रोथ जो है ना वो भी कम हो जाएगी प्लांट की ग्रोथ सपोज इतनी होनी थी इतनी जगह इतनी रह गई छोटा ही रह गया बेचारा वो क्यों रह गया बिकॉज ये हारमोन जो था वो प्रॉपर सेक्रेट नहीं हो पाया या हो सकता है कम क्वांटिटी में सेक्रेट हुआ दैट तो इज वाई उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी तो जितना हार्मोन सेक्रेट होगा उतनी ही ग्रोथ होगी मोर हार्मोन मोर ग्रोथ ठीक है अब जीन डिसाइड करेगा कि कितना करना है ठीक है एंजाइम्स मेक द हार्मोन्स डीएनए जीन मेक द एंजाइम डीएनए ने क्या बनाया भाई उसने बनाया एंजाइम बनाया डीएनए ने डीएनए ने क्या बनाया एक एंजाइम बनाया डीएनए और जीन जो है उसने क्या बनाया एंजाइम बनाया एंजाइम ने बनाया एक हार्मोन और हार्मोन कौन सा था ऑक्सिन हार्मोन था जो ये डिसाइड करेगा कि प्लांट की टॉलनेस कितनी होगी तो ये ऑक्सिन हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये याद भी करना है आपको कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कौन सा होता है ऑक्सिन हार्मोन होता है ठीक है ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो क्या करेगा वो डिसाइड करेगा ऑक्सीजन हार्मोन की कितनी ग्रोथ होने वाली है और इस हार्मोन को कौन बनाने वाला है कौन सेक्रेट करने वाला है तो इस हार्मोन को बनाने वाला है एक एंजाइम स्पेशल टाइप का एंजाइम और ये एंजाइम हमारा कहाँ से आएगा भाई जीन से आएगा डीएन या जीन से आएगा वो बनाएगा इस एंजाइम को अगर सपोज एनी अल्ट्रेशन इन द जीन अब सपोज कोई अल्ट्रेशन हो गया जीन के अंदर कहीं कोई ऐसा कोई एरर हो गया सपोज कि वो जीन जो है वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर पाया वो प्रॉपर अपना जो एंजाइम था वो नहीं बना पाया या वो जो एंजाइम था वो प्रॉपरली हार्मोन्स को सेक्रेट नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा हार्मोन्स नहीं बन पाए तो क्या होगा एक नया एंजाइम बनेगा और नया एंजाइम बनने के बाद में भी उस टॉलनेस का जो कैरेक्टर था टॉलनेस का ये जो ट्रेट है ये उसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा हो सकता है वो नेगेटिव हो हो सकता है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो तो इट कैन बी पॉसिबल सो कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस विल अफेक्टेड एंड प्रोड्यूस न्यू characters एक नया कैरेक्टर फॉर्म होगा सब आई बात समझ में आपको क्या बोल रहे हैं हम ठीक है वापस एक बार इसको देखिए क्या बोला हमने कि हमारे पास जो था क्या था एक सेल था एक सेल था उस सेल के अंदर क्या था कि उस सेल के अंदर था हमारा क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर क्या था डीएनए क्रोमोजोम के अंदर क्या था डीएनए था डीएनए और जीन थे अब वो जो जीन है जो डीएनए जब आएगा नए जब ऑफ स्ट्रीन बनाने के लिए जब एक सेल आता है सेल डिवाइड होने के बाद जो सेल आता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उसमें होता है जीन पर्टिकुलर जीन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट लेके आता है ठीक है यहाँ तक समझ में आया कि पर्टिकुलर जीन जो होगा वो क्या करेगा एक पर्टिकुलर जो है वो ट्रेट लेके आएगा ठीक है अब वो जो पर्टिकुलर ट्रेट है हो सकता है कि वो प्लांट की टॉलनेस की बात कर रहे थे हम तो प्लांट की टॉलनेस हो या हमारा स्किन कलर हो कुछ भी हो सकता है अगर हमारी बात करेंगे तो हमारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे और हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्लांट की टॉलनेस की बात कर रहे हैं तो प्लांट की टॉलनेस के लिए ये हो गया हमारा क्रोमोजोम इस क्रोमोजोम के अंदर क्या है भाई ये क्रोमोजोम किससे बना है डीएनए से बना है डीएनए के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो जीन होते हैं डीएनए या फिर जीन लिख सकते हैं हम इसको अब ये जो जीन है ये जीन क्या करते हैं ये जीन करते हैं एक तरह का प्रोटीन बनाते हैं एक तरह का क्या बनाएंगे प्रोटीन या एंजाइम बनाते हैं और वो जो एंजाइम है सपोज इसने बनाया एक एंजाइम एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए ऑक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन के लिए ऑक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए या सेक्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और ये कौन बनाएगा वही जीन बनाएगा जिसके पास में वो ट्रेट है उसको पता है कि भैया टॉलनस वाला ये जो ट्रेट है ये मुझे ले जाना है ये मुझे डिसाइड करना है कि टोलनस कितनी होने वाली है तो इसने बनाया एक एंजाइम एंजाइम बनाने के बाद क्या हुआ एंजाइम बनाने के बाद क्या हुआ तो हार्मोन सेक्रेशन हुआ हार्मोन का फॉर्मेशन हुआ और सेक्रेशन हुआ हार्मोन का फॉर्मेशन एंड देन सेक्रेशन होगा अब हार्मोन का सेक्रेशन तो हो गया फॉर्मेशन हो गया उसके बाद सेक्रेट भी हो गया हार्मोन कौन सा हार्मोन हुआ ऑक्सीजन हार्मोन हुआ भाई ऑक्सीजन हार्मोन ही तो होगा प्लांट जो ग्रोथ का हार्मोन जो होता है प्लांट के अंदर वो कौन सा होता है ऑक्सीजन हार्मोन होता है ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या डिसाइड करेगा कि भाई प्लांट की टॉलनेस कितनी होने वाली है ठीक है अब ये इसने डिसाइड कर लिया ठीक है हो गया हमारा काम रिटेट जो था वो एक्सप्रेस हो गया नाउ अगर कोई भी अल्ट्रेशन हो गया उस जीन के अंदर सपोज इस जीन के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन हो गया क्योंकि जब डी कॉपी होता है तो हो सकता है थोड़ा सा एरर तो होता ही है अब वो जो एरर होगा अगर कोई अल्ट्रेशन हुआ अल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कोई एरर अगर हो गया हमें पता है ना एरर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होता ही है तो अगर कोई एरर होता है तो एरर से क्या होगा एरर से होगा ये कि वो जो एरर है वो इफेक्ट करेगा किसको एंजाइम को इफेक्ट करेगा अब इसने एंजाइम को इफेक्ट किया तो वही एंजाइम जो है उससे कौन इफेक्ट होगा उससे हमारा हार्मोन इफेक्ट होगा अब ये जो हार्मोन इफेक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन हार्मोन हमारा इफेक्ट होगा दैट इज़ वाई टॉलनेस भी इफेक्टेड होगी वो जो ट्रेड था वो भी इफेक्टेड होगा और ट्रेड के अफेक्शन के बाद में क्या हो जाएगा एक नया कैरेक्टर बनेगा और वही नया कैरेक्टर जो होता है वो हमारे लिए होता है वेरिएशन ठीक है हेरिडिटी हो गया कि जब कोई भी ट्रेड जो था वो यहाँ से लेके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक गया कैसे गया तो ये पूरा फॉर्मेशन जो होता है ये क्या है ये पूरा प्रोसेस क्या है ये हेरिडिटी का ही तो है भाई ये टॉलनेस लेके जा रहा है जीन तो बट अगर उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन हुआ अल्ट्रेशन होते ही क्या हो जाएगा भाई अगर ये कोई देखो अल्ट्रेशन हुआ तो अल्ट्रेशन जीन में होगा तो एक नया एंजाइम बनेगा और वो जो नया एंजाइम होगा उसकी वजह से टॉलनेस को इफेक्ट होगा टॉलनेस जो है इफेक्टेड होगी हो सकता है कम हो, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ऐसा इफेक्ट हो सकता है ना प्रोड्यूसेस न्यू कैरेक्टर उसकी वजह से क्या होगा एक नया कैरेक्टर बनेगा और वो जो नया कैरेक्टर है फिर वो एक्सप्रेस होने वाला है सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली exactly जो होते हैं हमारे ट्रेड जो होते हैं वो किस तरह से हमें एक्सप्रेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे ह्यूमन बींग्स में भी हो सकते हैं वो प्लांट बॉडी में भी हो सकते हैं और वो अदर एनिमल बॉडी में भी हो सकते हैं तो सेम प्रोसेस सबके अंदर है सबके अंदर सेल होता है सबके अंदर क्रोमोजोम होते हैं वही डीएनए से बना होता है क्रोमोजोम जीन है जीन क्या बनाएगा एंजाइम बनाएगा वही एंजाइम से बनेगा हार्मोन और हार्मोन क्या करेगा रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी टॉलनेस हमारे हाइट के लिए कलर के लिए अदर थिंग्स के लिए जो जीन जो कैरेक्टर देगा जो ट्रेड देगा उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अल्ट्रेशन होते ही क्या हो जाएगा उस कैरेक्टर के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो चेंज होने के बाद क्या हुआ नया एंजाइम बनेगा नया हार्मोन बनेगा हार्मोन वही है सेम हार्मोन है ऑक्सिन बट फॉर्मेशन नया होगा नए नय होने के बाद में क्या हो गया कैरेक्टर जो होगा वो नया आएगा और कुछ नया आने का मतलब है वो है हमारा वेरिएशन आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली exactly जो होता है हमारे ट्रेड्स जो है वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं सो so, इसको अच्छे से देखिएगा बहुत अच्छे से इसको समझिएगा बहुत छोटी सी चीज है ज्यादा बड़ी चीज़ नहीं है हमने स्टार्टिंग से हम यही चीज पढ़ रहे हैं डी एन क्या है जीन क्या है कैसे सब कुछ हो रहा है सो आई होप कि आपको ये अभी भी समझ में आ गया होगा नहीं भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो को फिर से एक बार चलाइए और फिर देखिए थैंक यू सो मच